नमस्कार मंडळी, स्वागत आहे तुमचा बग मी के एक और धड़ा के बाज वीडियो में। और आज के गेम प्ले में तुम लोगों को बताऊंगा कि क्यों अपने स्क्वाड के साथ रहना जरूरी होता है। अब उतरते ही यहाँ पे दो लोगों को दबोच लिया, लेकिन अपने पे होती है यहाँ पे एमओ की कमी। तो यहाँ पे थोड़ी सी लूट करने के बाद मैं आ जाता हूँ चेस्ट रूम में। अब यहाँ सामने पे ये जो कमरा है, यहाँ पे एक ही स्क्वाड के तीन तीन लोग बैठ रखे। अब ये लोग यहाँ पे मॉली वगैरह फेंक रहे होते, लेकिन इससे पहले ये दो तीन बाजू से आके मेरे ऊपर रश कर दे, मुझे ही जाके एक एक को संभालना पड़ेगा। अब ग्रेनेड तो उसने भी किया था, लेकिन अपना ग्रेनेड ज्यादा पावरफुल था। अब मेरे सारे के सारे टीममेट इसी कासल में, लेकिन पता नहीं वो कौन से कोने में जाके छुप के बैठे। अब अगर यहाँ पे मेरे साथ मेरा एक भी टीममेट होता तो यहाँ पे शायद कुछ ना कुछ हो जाता। अब मेरी कॉल होके आ जाता हूँ दूसरे कासल में, और यहाँ पे नीचे से फुटस्टेप आ रहे होते। अब मैं जाता हूँ इसके डब्बे में से लूट दबाने के लिए, लेकिन उतने में यहाँ पे एक पैराशूट खुलता है। अब उसके बाद अंदर चेस्ट रूम से बहुत सारे फुटस्टेप आ रहे होते, तो मैं चला जाता हूँ सीढ़ियों पे इनको देखने के लिए। अब इन लोगों को मेरी लोकेशन पता चल गई है, तो मुझे लगता है कि मेरे ऊपर रश करेंगे, तो मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे। Awesome. अब इसको तो पकड़ लिया, लेकिन इसके बाकी के टीममेट ऊपर ही कहीं पे घूम रहे, लेकिन मुझे इनकी लोकेशन नहीं पता, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ IQ। मैं बन जाता हूँ यहाँ पे वेयरवुल्फ और चढ़ जाता हूँ यहाँ पे ऊपर। अब मैं IQ लगा के ऊपर तो आ गया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि ये लोग यहाँ पे बालकनी में कहीं पे तो भी घूम रहे होते। अब मुझे ठीक सामने से फुटस्टेप आ रहे होते, तो मैं वहां पे फेंकता हूँ एक ग्रेनेड। हेलो भाई। अब इस जगह की यही प्रॉब्लम है, यहाँ पे फुटस्टेप तो आ रहे होते, लेकिन वो कहाँ से आ रहे ये नहीं पता चलता। अब ये आ रहा था सीधा सीधा मेरे ऊपर रश करने के लिए, लेकिन मैंने इसको डैमेज देके डरा दिया। अब मुझे लगा था कि ये हीलिंग वगैरह करके मेरे ऊपर रश करेगा, लेकिन ये बैठ चुका है उसी कमरे के अंदर। अब वो बंदा जो इस रूम के अंदर घुसा था, या फिर उसके बिल्कुल भी फुटस्टेप नहीं आ रहे होते, तो मुझे लगता है कि वो जा चुका है, तो मैं जाता हूँ उसको देखने के लिए। और ये लो, टॉप आर्मी वाला बंदा है, महंगे कपड़े पहन रखे, और उसके बाद भी इस तरह नो फुटस्टेप कैंपिंग डाल के बैठ रखा है। अब उसके बाद रिकॉल कार्ड उठा के मैं जा रहा हूँ तो अपने टीममेट के पास, लेकिन उतने मुझे एक बग्गी दिखती है।
अब मैं यहाँ पे गाड़ी फोड़ रहा हूँ, ये देख के एक बंदा पीछे भाग जाता है, तो मैं बैठ जाता हूँ यहाँ पे इसके इंतजार में, लेकिन उतने में ये फिर से पीछे भागता है। अब बिल्कुल एक दो गोली का ही जिंदा होगा, तो मैं कर देता हूँ इसके ऊपर रश, लेकिन उतने में यहाँ पे एक और बग्गी आ जाती है। अब शायद से ये वो बग्गी वाला था, क्योंकि जिस बंदे को मारने के लिए मैं यहाँ पे आया था वो नंगा पुंगा घूम रहा था, लेकिन उसके भी फुटस्टेप मुझे यहाँ पे आ रहे होते। और शायद से यही वो नंगा बंदा था। अब उसके बाद मैं इस घर के अंदर आता हूँ थोड़ी सी हीलिंग करने के लिए, लेकिन उतने में यहाँ पे एक M4 चलती है। अब उसके बाद जोन बन रखा होता है मिलिट्री बेस पे, और इस पहाड़ी पे गोली चल रही होती है, तो मैं आ जाता हूँ इन घरों के अंदर। अब मेरे आने से पहले ही पता नहीं ये बंदा इतनी जोर में क्यों भाग गया, लेकिन ये बात मुझे भी जल्दी ही पता चलने वाली है। अब यहाँ सामने घर के अंदर एक बंदा बैठ रखा है, लेकिन आसपास इसके बाकी के टीममेट भी होते हैं। अब एक ही टीम के तीन तीन लोग साथ में घूम रहे, यही देख के वो बंदा भागा था। और ये रहे मेरे टीममेट, जोन के बाहर चमगादड़ बन के पता नहीं क्या ही कर रहा है। अब इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि तीन तीन बंदे मिलके एक बंदे को मार पाए, लेकिन तीन तीन लोग मिलके एक अकेले बंदे के ऊपर रश कर रहे हैं, ये देख के वो अकेला बंदा डर जरूर जाता है। अब ये लोग यहाँ पे एक साथ मिलके मेरे ऊपर ग्रेनेड और मॉली फेंक रहे थे, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे कूदा था, लेकिन इन्होंने कहीं ना कहीं से एंगल बना के मुझे पकड़ ही लिया। अब भले ही तुम्हारा टीममेट नूब हो, लेकिन कम से कम अपने साथ अपना टीममेट बैठ रखा है, ये देख के अपने दिल को दिलासा मिलता है, और इसीलिए अपने स्क्वाड के साथ रहना जरूरी होता है। खैर अब क्या ही कर सकते, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी बजा देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली बार ऐसे एक और धड़ाकेबाज वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय महाराष्ट्र।